इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आज आ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रिप्रेजेंट करें सो दिस विल गिव अस द फील्ड लाइंस कॉन्फ़िगरेशन सो आज फिर से हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इफ माय हेयर इज प्लस थ्री क्यू चार्ज लेट दिस एंड देर इज माइनस वन क्यू चार्ज सो हम फील्ड वेक्टर्स को पढ़ चुके हैं अब उसे एक ऑर्गेनाइज रिप्रेजेंटेशन देंगे तो दिस प्लस थ्री क्यू चार्ज विल स्प्रेड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्रेड आउट हो गया हर जगह तो अगर मैं इसे पूरी एक लाइन से स्प्रेड आउट शो करूंग लाइक दिस एंड एंड इफ इट विल भी गोइंग दे इधर जा रहाँ होगा थोड़ी सी इसकी इंफ्लुएंस आएगी मनसमान की चार्ज की एंड इट उल लाइक दैट एंड इट विलक दैट एंड इट विल भी लाइक पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इट उल पॉजिटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव टू गोइंग अवे बट इट सटनली हेयर एंड एंड इट सटनली गोइंग टू बी देर something going to be there is not crossing each other so these are field lines actually my representation so my electric field lines so these are all my field lines okay. <coughs> this organized representation is called electric field lines तो ये फील्ड लाइन्स है क्या ये एक्चुअली इसके किसी भी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन लेट अजूम अगर ये पॉइंट लेता हूँ मैं देन टेंजेंशियल टू डेट वेरी पॉइंट इफ दिस में एक टेंशन का मतलब एक ऐसी लाइन जो सिर्फ एक पॉइंट से क्रॉस करे सिर्फ एट दिस पॉइंट क्रॉसिंग आई थिंक दिस लाइन एक्चुअली दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इफ़ अपोजिटिव टेस्ट चार्ज अगर मैं यहाँ मान लो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखूँ यहाँ पर द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी तेर दिस टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस ये इलेक्ट्रिक फील लाइन्स की मतलब है कि इसके किसी भी पॉइंट पे कोई अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा जाए तो वो टैंडेंशियल के डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगी वो महसूस करेगा वो चार्ज जो जो टेस्टिंग के लिए वो रखी जाए उस पॉइंट पर एंड दैट इलेक्ट्रिक फी लाइंस अगे द डायरेक्शन ऑफ डैट फोर्स सो अब सवाल उठता है कि आ, ये तो आपने स्ट्रीट बनाई है ये बाहर तब जा रही लेकिन ये जब बाहर तब जा रही थी तो उड़ गई है ऑब्वियसली वन बाई आर स्क्वायर रिलेशनशिप माइनस वन क्यू के करीब में चार्जेस इसकी तरफ होंगे इसकी तरफ होंगे बिकॉज इट वुल बी सकिंग इन लाइक ए यू नो वैक्यूम क्लीनर और ये फेंक रहा है जैसे हेयर ड्राई जैसे इसे अभी माइनस वन क्यों के करीब में स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ऑब्वियसली यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज रखते तो खींच लेगी हाँ ये धक्का दे तो क्योंकि दूर है बहुत तो उतना असर नहीं करेगा इसका एंड ऑबियसली जो बहुत दूर की बात करें तो बहुत दूर में ये एक्ट करेगा अ प्लस टू क्यों चाहिए यानी ये माइनस इसके को कैंसिल आउट कर देगा बहुत दूर में तो इट विल जस्ट फॉर द गोइंग अवे सो दिस इज़ सिंपल फी फील्ड लाइन कॉन्फिग्रेशन तो इससे uh, एक बात तो ये पता चली कि कोई भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रहेगा तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिस दैट डिस चार्ज विल एक्सपीरियंस इफ पुट एट दिस पॉइंट सिमिलरली एट एनी अदर पॉइंट ऑन दिस फील्ड लाइन्स लेकिन अगर यहाँ एक निगेटिव टेस्ट चार्ज रखता है तो क्या होता है यस दि फ्लैस ओवर अगर एक निगेटिव चेस्ट चार्ज रखता है मान लो कि मैं एक निगेटिव टेस्ट चार्ज रखता हूँ यहाँ पर सो ओबियसली ऑबियसली एक निगेटिव टेस्ट चार्ज रखता हूँ मैं सो so, uh, अगर इसको जाना इधर चाहिए था तो बिकॉज प्लस दिस इज द गोइंग अवे दिस फील लाइन्स

क्या इससे हमें स्ट्रेंथ की पता चलती है जैसे हम फील्ड वैक्टर्स से वेक्टर्स की लेंथ से स्ट्रेंथ यानी उसकी मैग्नीट्यूड को हम बता पाते थे कि हाँ ये ज़्यादा स्ट्रेंथ है करीब में दूर में स्ट्रेंथ कम हो गई है इसमें कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में कि स्ट्रेंथ क्या है सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्ट फोर्स पर चार्ज मीन्स अ चार्ज विल एक्सपीरियंस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है तो हम देख रहे हैं कि करीब में ये ज़्यादा टेंस है ज़्यादा नंबर ऑफ़ फील्ड लाइन ज़्यादा है और करीब और जो दूर जा रही है तो सी दी एंड इट्स गेटिंग फार फार एंड एंड डेंसिटी कम हो रही है सो दिस विल दिसमें कितने फील्ड लाइन्स हो सकते हैं जवाब तो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इसलिए क्योंकि एट एवरी सिंगल चार्ज विल एक्सपीरियंस सम फोर्स मीन्स देर इज सम some लाइन्स सम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रजेंट एट देट पॉइंट तो जब वहाँ पर एक uh, कोई uh, हर पॉइंट पर कोई ना कोई फील है कोई फोर्स है जो एक्ट करेगी इस चार्ज की या इस कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज के द्वारा एट एवरी सिंगल पॉइंट फिर हमने ड्रॉ क्यों नहीं किया क्योंकि अगर हम इन्फाइनिट नंबर ऑफ़ फील लाइंस को ड्रॉ कर देते तो फिर मीनिंगस हो जाता है यूज़लेस हो जाता है क्योंकि हमें फिर पूरा ब्लैक ही ब्लैक दिखता है समझ में नहीं आती हमें तो डाइग्राम सो डाइग्राम इज टू विजुअलाइज एंड सो वी हैव लिमिटेड द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स वी हैव ड्रॉन टू सिंप्लीफाईट नेक्स्ट क्वेश्चन इफ इफ दिस इज द फील्ड लाइन स्ट्रेट लेट एजूम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जस्ट लाइक दिस अगर ऐसी होती अगर कोई मैं जीरो स्पीड पर जीरो टेस्टर यहाँ रख देता कोई टेस्टर यहाँ रख देता मान लो ट नंबर ऑफ स्ट्रीट फील लाइन्स एंड आई पुट एनी टेस्ट चार्ज एनी तो होता क्या क्या होता तो फील्ड लाइन्स बताती है कि फोर्स टेंजेंशियल हो गया

ये सीधी ही एक्सलोरेट करेगी सीधी ही एक्सलोरेट कर जाएगी हाउस एफ इक्वल टू एम ए लाइक दैट एक्सलोरेशन सीधी चली जाएगी लेकिन आ, एक विजुलाइजेशन ये है कि ये तो ऐसा ही जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं फील्ड उसकी भी उनकी भी फील्ड लाइंस होती है ग्रेविटी की उनको बताने के लिए उनकी फोर्सेस को तो ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे कि हमने एक कलम हाथ में रखा छोड़ दिया था तो, तो कुछ भी नहीं है तो सीधा सीधे नीचे चला आया अगर जीरो स्पीड से छोड़ दो तो, इन इस और उसको पाथ को हटती भी नहीं ये पाथ से नहीं हटती है उधर जाती है एकदम उसी पाथ पर वो एक्सलोरेटेड है नीचे की तरफ तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी वैसी है हाँ इस केस में इन दिस वेरी स्पेशल केस क्योंकि जनरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो बिहेवियर है जैसे कि ये पार्ट हम देखें जैसे सी दिस पार्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होती है सो जनरली इफ सी दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरल

सो ले इट इज़ इन दिस डायरेक्शन अगर मैंने फोर्स को छोड़ा है तो अगर इस डायरेक्शन में छोड़ा है तो फोर्स तो इधर लगेगी थोड़ी सी